नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में फरियादियों का दिखा रैला। डीएसपी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। राजगीर जू सफारी बनकर हुई तैयार। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने का शुरू हुआ प्रयास। अश्विन ने परफेक्ट 10 वाले एजाज पटेल के लिए ट्विटर से की खास डिमांड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में फरियादियों का दिखा रैला। हर सोमवार की भांति बीते सोमवार भी सीएम नीतीश की जनता दरबार का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान सीएम नीतीश के सामने अजब गजब मामले पेश किए गए, जिसके तहत इस दौरान कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू है, लेकिन उनके गांव में शराब बिकती है, उनके परिवार के लोग खुद शराब पीते हैं। इसके अलावा जनता दरबार में जमीन पर कब्जा करने, पुलिसकर्मियों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने जैसे कई मामले भी आए। वहीं सीएम नीतीश कुमार के पास कुछ ऐसे फरियादी भी शिकायत लेकर पहुंचे जिनकी अजब गजब शिकायत थी। ऐसी एक महिला की शिकायत थी कि उनके गांव में कुछ लोग नींबू सहित अन्य प्रकार की सब्जियां चोरी कर लेते हैं। राजगीर जू सफारी तैयार, इसी महीने होगी शुरुआत। राजगीर जू सफारी बनकर तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, जू सफारी में जानवरों को भी छोड़ दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शेर, बाघ, भालू, हिरन और तेंदुआ मिलाकर करीब 260 जानवर हैं। सीएम नीतीश अब इसी महीने इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जू सफारी प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारी चल रही है। 191 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 176 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण किया गया है। सीजेट की टीम ने कहा है कि इसे मॉड्यूल जू के रूप में विकसित किया गया है, यहां लोग सुरक्षित तरीके से भ्रमण कर सकेंगे। अब बिहार झेलेगा सर्दी का सितम। भले ही यह दिसंबर का महीना हो, लेकिन ठंड का सितम जो आज से कुछ सालों पहले दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था, इस बार नहीं दिख रहा है। छठ पूजा के बाद से ही स्वेटर में घूमने वाले लोग दोपहर होते ही स्वेटर उतारने पर मजबूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि ठंड का सितम जल्द ही बिहारवासियों को मिलने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में बिहार का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो जवाद चक्रवात के समाप्त होने के बाद अब बिहार में सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। वहीं 12 दिसंबर से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होने की संभावना जताई गई है। बिहार में गंगा नदी पर बनेगा पुलों का जाल। बिहार के लिए आज से 15 साल पहले अगर आप पूछते तो सड़क की बदहाल हालत पर हर कोई अपनी टिप्पणी कर रहा होता, लेकिन आज अगर आप किसी से भी सड़क की व्यवस्था के बारे में पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि बिहार में सड़कों की बहार है, क्योंकि एक साथ कई राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण ने राज्य में आवागमन की सुविधा बढ़ा दी है। हालांकि इन सबके बावजूद आज भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार आने जाने के लिए गंगा पार करना एक चुनौती ही है, लेकिन जिस हिसाब से बिहार सरकार काम कर रही है उसके अनुसार कुछ सालों में गंगा नदी पर 14 पुल बनकर तैयार हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में जेपी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनेगा। इसे पटना के निकट NH 139 से प्रारंभ होते हुए अरेराज होते हुए बेतिया जाने वाली भारतमाला सड़क परियोजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग 140W के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। ये बिहार में गंगा नदी पर बनने वाला 14वां पुल होगा। पहचान में हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत और भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वो बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वो भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना और उनके सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। वो एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वो एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा भी बनाया था। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। बीपीएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसमें योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्द ही पटना में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
गया जिले के प्राचीन एवं अद्भुत शिव मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चौवार गया शहर से 35 किलोमीटर पूर्व में एक गांव है चौवार, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। इस गांव में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु बाबा बलेश्वर नाथ के ऊपर जल चढ़ाने आते हैं, पर आज तक ये जल कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता है। इसके पीछे के कारण किसी को फिलहाल अभी नहीं पता है। लगभग हजारों सालों से ये चमत्कार की जांच करने आए सैकड़ों वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। और इसी गांव में कुछ सालों पहले सड़क निर्माण के दौरान यहां एक बहुत ही बड़ा घड़ा निकला था, जिसमें हजारों शुद्ध चांदी के सिक्के भी निकले थे। और आज भी इस गांव से अष्ट धातु की अनेकों मूर्तियां हैं, जो कि आज भी शिव मंदिर में देखने को मिलती हैं। बिहार में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले मात्र 22। केंद्र सरकार ने सभी भारतवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, ताकि निम्न स्तर के लोग अपना इलाज आसानी से बिना पैसे की चिंता किए करवा सके। लेकिन बिहार में योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान खुलासा किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में 22 लोगों का कोरोना का इलाज हुआ है। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान आयुष्मान भारत योजना कार्ड का उपयोग करके 8.29 लाख लोगों ने इलाज कराया, लेकिन योजना के तहत बिहार के केवल 22 लोगों ने ही इलाज का लाभ उठाया है। बिहार पंचायत चुनाव के इन प्रत्याशियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और अब यह चुनाव अपने समापन की तरफ है। ऐसे में पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने अहम दिशा निर्देश जारी कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के सारे परिणाम 15 दिसंबर तक आ जाएंगे। जिला गजट में इसे 18 दिसंबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब देना था, जो कि प्राप्त नहीं हुआ है। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर 1 जनवरी तक सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की विवरणी और शपथ पत्र जमा करने को कहा है। चूक होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसईबी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकित स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया है। शिक्षण संस्थानों के प्रधानों की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट inter23.biharboardonline.com के माध्यम से अब 20 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद शुल्क जमा नहीं हो पाया है, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की 20 दिसंबर तक शुल्क जमा कराकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर अपने संस्थान या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जमा करेंगे। टीकाकरण के नाम पर बिहार में हुआ गड़बड़झाला। देश भर में नए वेरिएंट के अलग अलग मामलों के बीच बिहार में भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है। लेकिन बिहार स्वास्थ्य विभाग अपनी नाकामी कह ले या फिर उसकी लापरवाही, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके तहत ही बिहार के अरवल जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां आरटीपीसीआर जांच में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस फर्जीवाड़े में वैक्सीन लगाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो डेटा ऑपरेटर को नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन हटाए गए डेटा ऑपरेटर ने कहा कि हेल्थ ऑर्गेनाइजर के कहने पर उन लोगों ने ऐसा किया। बता दें कि ऑपरेटर तेलपा एपीएचसी में काम कर रहा था। ऑपरेटर ने स्वास्थ्य प्रबंधक को इसके लिए दोषी ठहराया है। सीएम नीतीश ने माना बिहार में खाद की किल्लत। बिहार में खाद की कमी को लेकर लगातार किसानों की शिकायतें सामने आ रही है। इसी बीच बिहार में खाद की कमी को लेकर सीएम नीतीश ने भी स्वीकार कर लिया है। बीते दिन जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि अभी खाद की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है। हमने केंद्रीय मंत्री से इस बारे में बात की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एक हफ्ते में बिहार में खाद की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा। हाल ही में इसको लेकर सुपौल से जदयू सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा में बिहार में खाद की कमी का मामला उठाया था, साथ ही बिहार में किसानों की समस्या से भी उन्होंने सदन को अवगत करवाया था। औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हो यह परीक्षा 8,415 पदों के लिए ली गई थी, जिसमें सामान्य वर्ग के 3,489 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 842 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के 207 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 82 अभ्यर्थी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1,470 अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग के 980 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग की 245 महिलाएं इस परीक्षा में सफल हुई हैं।
बिहार राज्य के युवाओं को वीआईपी स्थानीय स्तर पर देगी रोजगार। विकासशील इंसान पार्टी अब युवाओं को रोजगार देने का काम करने वाली है। इसको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि वीआईपी पार्टी बिहार राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों में युवाओं के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही है। वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं के लिए काम करना है। पार्टी ने रोजगार प्राप्त करने के लिए लाइट लिंक भी जारी कर दी है, जिसके तहत eform.vippparty.in पर अब वीआईपी पार्टी बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर और अंतर्राज्यीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने का प्रयास। बिहार में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि जब से कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, तब से कई बच्चों ने भी स्कूल कॉलेज से दूरी बना ली है। हालांकि कोरोना के कारण बच्चे अपने भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अब स्कूल से बाहर के बच्चों के भी आंकड़े उपलब्ध करवाने की बात कही है। बिहार के सरकारी स्कूल में अब तक नामांकन नहीं लेने वाले या किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों के पूरे आंकड़े अब उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पिछले महीने घर घर सर्वे का काम भी हुआ और अब बिहार शिक्षा परियोजना ने निर्देश दिया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बेस्ट ऐप के जरिए स्कूल से बाहर पाए गए बच्चों के पूरे आंकड़े की एंट्री 15 दिसंबर तक होगी। क्या बिहार में होगा जातिगत जनगणना? सीएम नीतीश के बयान के बाद शुरू हुई कयासे। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा बेहद ही गर्म नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर बिहार में सीएम नीतीश पर विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सीएम नीतीश खुद जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। यही कारण है कि बिहार भी धीरे धीरे जाति आधारित जनगणना की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान भी दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस पर सभी दलों की राय एक समान है, सभी दलों की इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के सभी एयरपोर्ट के लिए जारी की गाइडलाइन। देश में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार समेत देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए घरेलू फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब पटना सहित सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ यात्रियों को यह भी कहा गया है कि वो हवाई सफर के लिए अगर बुकिंग कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरपोर्ट और राज्य की गाइडलाइन को अपने स्तर पर देखें। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि जो यात्री कहीं से मुंबई या फिर पुणे जाते हैं तो उन यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी होगा। कोरोना मामलों की सुनवाई टली इस तारीख तक। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देश के कुछ राज्यों में अभी पूरी तरह गया भी नहीं था कि अब तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वहीं भारत के भी कुछ राज्यों में इस नए वेरिएंट के मामले की पुष्टि हुई है। इसी बीच अब बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। साथ ही कोरोना को लेकर पटना हाईकोर्ट में भी बीते दिन सुनवाई की गई, जिसके बाद शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में की गई सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर हम भयभीत नहीं पर सावधान रहने की बहुत जरूरत है। प्रकाशोत्सव की शुरू हुई तैयारी। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाशोत्सव को लेकर बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी ने योजना बनाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर हाल ही में तख्त साहिब के मीटिंग हॉल में कमेटी के पदाधिकारी संघ स्थानीय संगत की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 10 सब कमेटी का गठन कर दायित्व सौंपा गया है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतर रिहाइश, लंगर, यातायात के साधन, सुरक्षा और अन्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर कमेटी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकाशोत्सव को लेकर संगत के साथ विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब 6 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना से दिल्ली। आपने यह जरूर सुना होगा कि अब दिल्ली दूर नहीं, लेकिन अब आप यह महसूस भी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में पटना बक्सर फोरलेन और बक्सर हैदरिया फोरलेन सड़क बनाने का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे में पटना आरा बक्सर भरौली हैदरिया होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ आगरा नोएडा और दिल्ली जाना आसान होगा। इससे पटना से दिल्ली 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोकसभा में सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगले 2 साल में दिल्ली से पटना 6 घंटे में पहुंचना आसान होने वाला है। इतना ही नहीं, आवागमन सुगम हो जाने से ट्रांसपोर्ट की गति भी बढ़ने वाली है।
दिल्ली के अखबारों में बिहार के अच्छे काम की कोई खबर नहीं। दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित हो रही बिहार की खबरों को लेकर सीएम नीतीश ने अब अपनी चिंता जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी बढ़िया काम हो रहा है उसकी चर्चा अंग्रेजी अखबारों में नहीं हो रही, लेकिन बिहार में शराब की खाली बोतलें मिलने की चर्चा दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में खूब हो रही है। जनता दरबार में कई लोग आए जिन्होंने शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों से संबंधित कई जानकारियां साझा की। उनकी शिकायत पर हमने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नीतीश ने आगे ये भी कहा कि यह देखना होगा कि क्या वाकई में वहां शराब पीने जैसी बात हुई थी या फिर किसी ने जानबूझकर शराब की खाली बोतलें फेंक दी हैं। खाद नहीं दे पा रही तो एमएसपी क्या देगी। बिहार के किसान जो कि फिलहाल रबी फसल की बुआई में व्यस्त है, उनके पास खाद की समस्या की भरमार है, क्योंकि बिहार में इन दिनों डीएपी की किल्लत है, जिसकी वजह से ही रबी फसलों की बुआई पर लोग रात कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। राज्य में खाद की किल्लत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खाद के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के किसान खाद के लिए परेशान है और डबल इंजन की सरकार नींद की गोलियां खाकर सोई हुई है। ये सरकार फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या देगी, ये तो खाद भी नहीं दे पा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज 1825 में कोलकाता आज ही के दिन पहुंचा। देश में 1856 में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह आज ही के दिन करवाया गया था। भारत ने 1995 में संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण आज ही के दिन किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2008 में चंद्रमोहन को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त आज ही के दिन किया था। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने 2008 में जापान टूर का खिताब आज ही के दिन जीता था। भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म 1879 में आज ही के दिन हुआ था। आधुनिक भारतीय संस्कृत और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ था। अश्विन ने परफेक्ट 10 वाले एजाज पटेल के लिए ट्विटर से की खास डिमांड। टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए आर अश्विन ने कीवी स्पिनर एजाज पटेल के लिए ट्विटर से एक खास डिमांड की है। मुंबई में जन्मे एजाज पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 10 विकेट लिए। एजाज ऐसा करने वाले दुनिया के महज तीसरे गेंदबाज बने हैं और अश्विन ने ट्विटर से कहा है कि ऐसा कारनामा करने वाले खिलाड़ी का ट्विटर अकाउंट तो कम से कम वेरीफाइड जरूर होना चाहिए। एजाज पटेल ने पहली पारी में 10 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने वानखेड़े टेस्ट 372 रनों से अपने नाम कर सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया। अब फेसबुक से सिंगल क्लिक पर कर पाएंगे कई लोग पेमेंट। फेसबुक जिसे हाल ही में मेटा नाम से पेश किया गया है, इसी मेटा कंपनी की तरफ से फेसबुक मैसेंजर में गूगल पे जैसा कमाल का फीचर दिया गया है, जिसे स्प्लिट पेमेंट के नाम से जाना जाएगा। नए फीचर की मदद से यूजर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के बीच पैसों का लेन देन आसानी से कर सकेंगे। मतलब यूजर एक बार में कई लोगों को बराबर अमाउंट पैसों का ट्रांसफर कर पाएंगे। हाल ही में गूगल पे में स्प्लिट पेमेंट फीचर को रोल आउट किया गया है। कंपनी का दावा है कि इससे रेस्टोरों और हाउस रेंट के पेमेंट में मदद मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं कुमार राहुल, मनीष मोहरा, सुरेंद्र यादव, शंकर मुखिया, पूजा कुमारी, नवीन कुमार, राजवंशी चौधरी, नुन्नू कुमार, विवेक कुमार, रघुनाथ प्रसाद, नरेश कुमार बिंद, मंतोष कुमार, मोलन कुमार मंडल, राजीव कुमार, माहियानंद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मिली शानदार जीत में किस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।